शब्द मूवी देखिए सिर्फ FWF ओरिजिनल्स पर। सनी देओल के साथ सिंह साहब द ग्रेट नामक फिल्म से उर्वशी रौतेला ने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें पहचान मिली काबिल फिल्म के लिए किए गए आइटम सॉन्ग सारा जमाना से। इस सॉन्ग का प्रोमो जब टीवी चैनल्स पर दिखाया गया तो ज्यादातर लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड हो गए कि ये आखिर कौन है। इसके बावजूद उर्वशी को बड़ी फिल्में नहीं मिल पाई। यही कारण है कि बॉलीवुड में अपने पैर जमाए रखने के लिए उन्होंने हेट स्टोरी 4 जैसी फिल्म की। इस तरह की फिल्मों का USP बिंदास सीन और विषय होता है। कई लोगों का मानना है कि उर्वशी ने इस तरह की फिल्म साइन कर गलती की है। हेट स्टोरी सीरीज की फिल्मों के जरिए किसी का भला नहीं हुआ है। उर्वशी ने जोखिम तो उठाया है और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उन्हें हेट स्टोरी 4 से फायदा मिलता है या नहीं। इस फिल्म के प्रोमो लगातार दिखाए जा रहे हैं और लग रहा है कि फिल्म में कई वैसे वाले सीन्स भी हैं। उर्वशी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि हेट स्टोरी 4 के सीन्स की जब बात पता चली तो उन्होंने अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात की। उनके कहने पर ही उन्होंने ये फिल्म साइन की। फिल्म का ट्रेलर तो काफी सराहा गया है और YouTube पर खूब देखा भी गया है। अब देखना ये है कि फिल्म देखने के लिए कितने लोग टिकट खरीदते हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।